हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर 2020। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कैसे हम लोग ने 31st का पार्टी अपने घर में ही किया है। और यहाँ पे हम लोग आए थे मार्केट में सब्जियाँ ख़रीदने के लिए, और अभी हम लोग ख़रीदारी हो गया है तो हम लोग सब्जियाँ खरीद के ही घर में जाएंगे। और उसके बाद आज बहुत सारे आइटम बनाने हैं, और यहाँ पे मम्मी मैरिनेट कर रही है चिकन को, क्योंकि आज बनेगा बटर चिकन। हम लोग न्यू ईयर का पार्टी हमेशा ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं घर में ही, और 1 तारीख को हम लोग कुछ भी पार्टी नहीं रखते हैं, बस मंदिर जाते हैं और अच्छे से रहते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा ही न्यू ईयर पार्टी 31st को ही करते हैं ऐसे ही घर में। और यहाँ पर मम्मी ने मैरिनेट करने के लिए नमक और फिर मिर्च पाउडर ही लिया है, लाल मिर्च जो है, और अदरक लहसुन और थोड़ा सा कर्ड मिला के ये जो चिकन है, 1.5 kg चिकन है ये, तो इसको मैरिनेट करके यहाँ पे मम्मी अलग से एक पेस्ट बना लेगी। इस पेस्ट को बनाने के लिए थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और बटर यूज़ करना पड़ेगा, और बहुत ही सिंपल तरीके से आज बनेगा बटर चिकन। एक्चुअली पार्टी में सब लोग मिल बात के ही खाना बनाते हैं, और आप लोग आज देखिएगा मिल बात के ही बनाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी ने यहाँ पे ऐड किया है छोटे इलायची, दालचीनी और टमाटर, अभी ये काजू और किशमिश मम्मी ने ऐड किया है। आप लोग किशमिश को स्किप भी कर सकते हो, काजू को भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन मम्मी ने ऐसे ही काजू किशमिश एक साथ रखा था तो इसीलिए यहाँ पे ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा नमक ताकि जल्दी जल्दी जो ये टमाटर है वो मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे ऑनियन भी ऐड होगा, ये देखिए मम्मी ने ऑनियन ऐड कर दिया है। बस इन सबको थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए रख देना होगा गैस के ऊपर, और उसके बाद इसका अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेना होगा। और ये जो पेस्ट है ये ही बटर चिकन में यूज़ होगा। तो हम लोग बटर चिकन चूल्हे में ही बनाएंगे आज, क्योंकि पार्टी है और गैस में खाना हमेशा खाते हैं, तो कभी कभी ठंडे के दिन में कभी भी पार्टी रहती है तो हम लोग चूल्हे में ही बनाते हैं। और चूल्हे का खाना बहुत ही टेस्टी, ज़्यादा टेस्टी होता है, स्मोकी फ्लेवर आता है। यहाँ पे मम्मी ने जो बनाया था उसको पेस्ट बना लेगी, और ये देखिए ये पेस्ट रेडी हो गया है। और इसको आप लोग छान भी सकते हो, लेकिन ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब मेरे भाई लोग हैं, और ये देखिए यहाँ पे जो चिकन है उसको ऐसे ही वो लोग चूल्हे में आग में दे रहे हैं, और अभी हम लोग सब मिलके बनाएंगे बटर चिकन। तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल के साथ 1/2 बटर मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि मम्मी किचन में अलग अलग चीज़ भी बना रही है और पुलाव भी बनाएंगी, तो इसीलिए हम लोग सब मिलके बटर चिकन यहाँ पे चूल्हे में बना लेंगे। और ऐसे बनाने में मतलब मज़ा ही अलग आता है। तो यहाँ पे जितना भी मैरिनेट किया हुआ चिकन है मम्मी ने मैरिनेट करके रखे थे, तो यहाँ पे डाल देंगे सब कुछ और बस अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं 31st और बिहू का जो पार्टी होता है वो हम लोग घर में ही करते हैं सब लोग। और कभी पार्टी करने का मन करे तो भी हम लोग कज़न मिलके सब कुछ अच्छे से ऐसे ही खुद बना के खाते हैं, और मम्मी और पापा भी हेल्प कर देते हैं। तो ये जो पार्टी का मज़ा है ये अलग ही होता है, बाहर खाने से अच्छा है इस ऐसे ही पार्टी एन्जॉय किया जाए, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी कमेंट करके बोलिएगा कि आप लोग कैसे पार्टी एंजॉय करते हो, और ये जो साल है ये आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ हो और बहुत सारी खुशियां आप लोगों को दे, वही है मेरा विशेष आप लोगों के लिए। और यहाँ पे देखिए पानी पूरा अच्छे से सूख गया है, और चिकन को फ्राई होना है अभी, और भी फ्राई थोड़ा सा और फ्राई होना है यहाँ इसको,
तो चिकन एक्चुअली सीज गया है अच्छे से, लेकिन फ्राई अच्छे से नहीं हुआ है। तो अच्छे से फ्राई करने के बाद चिकन को उठा लेंगे। तो यहाँ पे चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है, आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग अलग बर्तन में चिकन को रख देंगे और इसी कढ़ाई में हम लोग जो मम्मी ने पेस्ट बना के रखे थे, टमाटर और काजू सब मिक्स करके, वही पेस्ट यहाँ पे बस दे देंगे उसके ऊपर और जल्दी जल्दी बन जाएगा बटर चिकन। और आग में बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है, कुछ भी बनाइए आप आग में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो पेस्ट है उसको ऐड कर दिया है और अभी फ्राई किया हुआ चिकन को भी ऐड कर देंगे। एक्चुअली मैं नहीं, सब लोग मिलके बना रहे हैं, मेरा भाई भी है यहाँ पे, मम्मी भी साइड में बैठे हैं, बहन भी है और दो भाई है। तो हम लोग सब लोग मिलके बना रहे हैं और मम्मी बीच बीच में पुलाव भी बना रहे हैं। तो मम्मी पुलाव गैस में ही बना रहे हैं किचन में। तो यहाँ पे 2-3 मिनट के बाद चिकन एक्चुअली फ्राई हो चुका है और यहाँ पे कलर के लिए जो लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च, वो दे रहे हैं, थोड़ा सा नमक दे रहे हैं क्योंकि नमक ऐड नहीं हुआ था पहले इसीलिए। और आप लोग अपने हिसाब से भी नमक दे सकते हो। तो बस इन सबको ऐसे ही हिलाते रहना है और बीच बीच में जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो सब देते रहना है। तो यहाँ पे मैंने टमाटो केचप ऐड किया है। टमाटो केचप देने से बटर चिकन का जो टेस्ट है वो और भी मतलब अच्छे से आता है इसीलिए। और ऐसे ही बीच बीच में हिलाते रहेंगे और उसके बाद यहाँ पे ये जो है कसूरी मेथी और गरम मसाला ऐड होगा। कसूरी मेथी के बाद, कसूरी मेथी ऐड करने के थोड़ा टाइम बाद आप लोग गरम मसाला ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दिया है और उसके बाद गरम मसाला। बस ये लगभग तैयार है, बस क्रीम ऐड करना बाकी है तो वो भी थोड़ा देर बाद कर देंगे। बीच बीच में आग को भी देखना पड़ता है क्योंकि बुझ जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बीच बीच में आग को भी देखना पड़ रहा है। और ये देखिए ये बन के रेडी हो ही गया है और लास्ट में ये क्रीम ऐड कर देंगे और उसके बाद एक उबाल आने तक रख के ये देखिए बन के रेडी हो गया है चिकन, बटर चिकन। बाहर में बटर चिकन रेडी है जो हम लोगों ने मिलके बनाया है और यहाँ पे मम्मी बना रहे हैं पुलाव। तो पुलाव वैसे भी नॉर्मली जैसे बनाते हैं वैसे भी मम्मी बना रहे हैं, मटर और गाजर फिर काजू किशमिश देके। तो इसीलिए मैंने पूरा डिटेल्स में नहीं दिखाया है। अगर आप लोगों को डिटेल्स वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके बोलिएगा क्योंकि डिटेल्स में दिखाते रहने से सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है और इतना लंबा वीडियो लोग देखते भी नहीं हैं इसीलिए। तो ये ऐसे ही मम्मी नॉर्मली जैसे बनाते हैं वैसे ही बना लेगी। उधर चिकन रेडी है और बाकी जितना भी आइटम्स है वो सब यहाँ पे देखिए, ये पुलाव बन के रेडी हो गया है।
तो हम लोग न्यू ईयर पार्टी ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है सेलिब्रेट करना, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।